साल में आपके आशीर्वाद से मुझे 5 बार एमपी बनने का, 3 बार केंद्रीय मंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा जी के साथ में, 3 बार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, 34 साल में मर गया था, पीसीडी का प्रेसिडेंट बन गया था। दूसरी बार मैं आज बैठा हूँ जहाँ महामंत्री एआईसीसी का, दूसरी बार बना है और 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 2 बार मुख्यमंत्री। तो आपके आशीर्वाद से मुझे कोई माता बहनों से बैठी हुई है, मुझे आपने कोई कमी नहीं रखी, आपका विश्वास कायम रहा, इस कारण से हाईकमान ने मेरे विश्वास किया मुझ पर, मैंने कोई पद मांगा नहीं, बिना मांगे मुझे पद मिले, खाली मैंने 77 टिकट मांगा नहीं। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, 5 साल वसुंधरा जी को बहुत भारी बहुमत से कामयाब किया सब जनता ने, मोदी जी के नाम से झूठे झूठे वादे किए, झूठे आश्वासन दिए, 15 लाख नौकरी लगा देंगे, काला धन लेके आएंगे बाहर से, 1 रुपया लेके नहीं आया है, 1 रुपया मोदी जी लेके नहीं आया, 1 रुपया अभी डॉक्टर साहब कहेंगे 15 लाख बेड जमा होने इतना पैसा आएगा, 1 रुपया नहीं आया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नोटबंदी जरूर करी है, जो महिलाएं हमारे पति पैसा देता है घर खर्च के लिए, कुछ बचा देती है, अरे अपने काम आए वही निकाल दे मोदी जी, सबको लाइन में खड़ा कर दिया, इनकी फोन खोल दी गई कि मेरे पास 5 हजार, मेरे पास 15, मेरे पास 25 हजार छिपा के रखे मैंने, फोन खोल दिया। अब वसुंधरा जी ए भाई, अब जो वसुंधरा जी ने जो गौरव यात्रा निकालने लगी, मैंने कहा वसुंधरा जी आप सब हमारी स्कीम को नष्ट कर दिया, जिसमें आ रही थी वहां पचपतरा में फ्रॉड की आ रही थी, महासभा डूंगर के अंदर डूंगरपुर के अंदर मेट्रो आ रही थी, जयपुर के अंदर करौली चौक जुड़ने से जिला मुख्यालय ट्रेन से कोच फैक्ट्री आ रही थी भीलवाड़ा के अंदर, आपने सब काम बंद क्यों किए, कोई जवाब नहीं उनके पास, उठाते पुराने काम में जारी रखूंगी तो श्रेय उनको मिल जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंची सोच हो वो शासन करने लायक भी होता मैं कार्य के साथ कर, कोई काम बंद नहीं किया, वसुंधरा जी के बंद नहीं किए, जब वो चुनाव हार गई तो शेखावत साहब चुनाव हार गए, भैरव सिंह जी 32 पे आ गए, मैं 156 पे आया था आपका आशीर्वाद, हमने कोई काम बंद नहीं किया। अब मैंने कहा है वापस सरकार कांग्रेस बनेगी, आज जो काम चला रही वसुंधरा जी, हम कोई काम बंद नहीं करेंगे, ये हमारी सोच, हमारी सोच पॉजिटिव होती है सकारात्मक, उनकी सोच नेगेटिव होती है नकारात्मक होती है, काम रुकता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है परियोजना की, अगर देरी करेंगे तो लागत बढ़ जाती है, तो काम रोकने तो क्या है, ये खतरनाक पूरा सामना बना है, वसुंधरा जी आई किसको रोक रही थी, ये तो बड़ा इंजीनियर का वो फोटो लेके गए जयपुर में, मैडम ये इतनी बड़े बड़े पिल्ले खड़े हो गए, अब इसको रोके कैसे, तब जाके काम पूरा होगा, वहां भी पूरा नहीं होगा, सामना पूरे बन गया माता, तो कहने मतलब गौरव यात्रा निकाल रही थी, उनका वसुंधरा जी किस बात में गौरव मना रही हो आप बताओ मेरे को, आपने काम कुछ किए नहीं, लोगों से मिली नहीं, सेकेंड हाउस में जो परमानेंट एड्रेस होता है मुख्यमंत्रियों का और मंत्री का दौरे करने पर, वसुंधरा जी 1 बार भी सेकेंड हाउस रुकी नहीं जिंदगी के अंदर, 10 साल में रुकी, 10 साल में बड़ी बड़ी महलों में, फिर राजा हमारे होटल बन गई उनमें, या 5 सितारे होटल में जहाँ 1 लाख रुपए खर्च होता है 1 रात सोने का, आप मैं घमंड है महाराणी साहिबा है उनको जनता ने क्या मतलब है, ना जनसुनवाई करी जयपुर जनता, पूरी तरह जनता ने कर चुकी है, पूरे राजस्थान में मैं आज घूम के आया हूँ, अंतिम दिन आज 5 बजे तक का प्रचार है, पूरे प्रदेश में लोग भयंकर आक्रोश के अंदर है, अब मोदी जी आओ चाहे वो अमित शाह जी आओ, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला, मैं आपके बाबू जी हक है, वसुंधरा जी जब गौरव यात्रा निकली, मैंने कहा वसुंधरा जी ये गौरव यात्रा नहीं, ये आपकी विदाई यात्रा है, विदाई यात्रा,
सोचा रे काले झंडे देखा दिए भड़क गई। पुलिस को कहा मेरे सामने कोई काले झंडे नहीं आने चाहिए। अरे मैंने कहा क्यों भड़कती हो काले झंडे से? काला रंग तो इतना प्यारा होता है, माँ भी अपने बेटे के काले टीका लगा दी भी नजर नहीं लग जाएगी। इस प्रकार से आज उन्होंने निकालना प्रारंभ किया और वो फिर विरोध इतना ज्यादा हुआ, इतने लोग झगड़ने लगे, मंचों पे नारेबाजी होने लगी, पुलिस लाठीचार्ज हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता हाथ के अंदर ही तो उनको यात्रा को बंद करना पड़ा और हेलीकॉप्टर में घूमने लग गए। तो ये स्थिति हम देख चुके हैं। झूठ बोलने में तो माहिर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत सिद्ध कर रहे हैं मोदी जी भी, अमित शाह जी भी और वसुंधरा जी भी। वो मुद्दा आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? किसान का ऊपर का मूल्य मिलता नहीं मिलता है, मजदूरी बड़ी नहीं बड़ी है, कानून व्यवस्था कैसी है, करप्शन में अंकुर लगाने लगा है, विकास हुआ कि हुआ है। और ये बताए सत्ता वाले भाई हमने पान काम में आपके एक काम किए थे, वादे किए, एक काम पूरे हुए, काम पूरे नहीं हो पाए, आगे हम ये करेंगे। चुनाव ये जनता का जो दरबार है, कांग्रेस का दिया हुआ लोकतंत्र देश में है, इसको सामने लोकर लेखा जोखा देना पड़ता है, अकाउंट देना पड़ता है हमने क्या क्या काम किया। वो देने से बचने के लिए कोई काम तो किया नहीं, बताए क्या? तो फिर ये कभी हनुमान जी की जात बताने लग जाते हैं, कभी राम मंदिर ले आते हैं। अब हिंदू समाज समझ गया है कि क्या हमें हम यहाँ बैठे हिंदू नहीं है क्या? बताओ मोदी जी को 100 में से 31 वोट मिले थे पिछली बार, उनको घमंड नहीं करना चाहिए। 31 वोट मिले और प्रधानमंत्री बने, 69 वोट 100 में से खिलाफ पड़े उनके। क्या 69 वोट खिलाफ पड़े? वो वोट वो जो है वो हिंदू नहीं है क्या? राम मंदिर उनको नहीं पसंद है क्या? जानपुर के ये भूतों से भटकाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा हमारी उपलब्धि क्या रही क्या नहीं रही। इसलिए तीनों मिलकर के प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं घूम घूम करके। मैं आपसे अपील करना आया हूं कि आप कृपा करके एक एक वोट बहुत कीमती है, हमेशा आपने साथ दिया कांग्रेस का, राम सिंह जी विष्णु जी के वक्त में भी, पहले भी, बाद में भी, नरपति के वक्त में भी कोई कमी नहीं रखी आप लोगों ने। इस बार भी महेंद्र बहुत नौजवान है और कल सीकर में भाषण सुना होगा आप लोगों ने मोदी जी का, जो क्या क्या बोले मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। इसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है। प्रधानमंत्री को एक पार्टी का नहीं होता है, मुख्यमंत्री एक पार्टी की नहीं होती, बनने के बाद में पूरे राजस्थान की मुख्यमंत्री होती है, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। दुर्भाग्य से मोदी जी और वसुंधरा जी बीजेपी नेता की तरह गरिमा घटा रहे पदों की, बोल रहे हैं, आरोप लगाना चाहिए विपक्ष को, सत्ता पक्ष पर उल्टी गंगा बहा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, मुझ पर लगा रहे हैं, महेंद्र मिश्रे पर लगा रहे हैं, बताइए आप। ये स्थिति है देश के अंदर, इनके परिवार पर लगा रहे हैं, मदरवा परिवार पर लगा रहे हैं, इनको टिकट कहीं दीजिए आप लोगों ने। आप बताओ मोदी जी की सोच इस प्रकार उनको प्रेरित किया गया होगा राजस्थान सरकार द्वारा और राजस्थान के नेताओं द्वारा, उसी ढंग से वो बोल रहे हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं सीकर के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये बौखलाए और घबराए हुए हैं, एक बार भारी मत होने अपन कामयाब हो, राजस्थान यानी देश के तरीके का फैसला होगा। आप यही जगह आपको कमी मत रखना, वोट दिया करके आप भारी बहुमत से महेंद्र विष्णु को कामयाब करो। नौजवान है, चुनाव जीतने के बाद में बड़े बड़े आते जाते रहेंगे बीच में, आपके आपके सुख दुख में हमेशा आपके मौजूद रहेंगे बीच में, और विकास के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। जो आपकी रॉयल्टी की बात है, पानी की बात है, निगम की बात है, जो आपने मांगे रखी है आप निश्चिंत रहो, पूरी मांगे महेंद्र विष्णु पूरी करवाएंगे। मेरा पूरा सहयोग महेंद्र विष्णु के साथ रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं।